अच्छा, ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपे ही आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में एक दो मिनट लग भी जाए तो हिम्मत हार कर कन्फ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। सर्व समस्याओं से मुक्त होने की विधि आज बाबा ने हमें दी है, अपने कनेक्शन को ठीक करने की। बाबा हमेशा अपने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे, लेकिन ईश्वरीय जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, आध्यात्मिक यात्रा में या फिर कोई भी यात्रा में जब भी कोई समस्या आती है, समस्या अर्थात वो तो समस्या होती नहीं है, बाबा कहते हैं हमेशा कि समस्या आपको आगे बढ़ाने का साधन होता है, लेकिन जब हम बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, परिस्थितियों को सही तरह से देख नहीं पाते, व्यक्तियों को सही तरह से हम पहचान नहीं पाते, तब वो बात, वो व्यक्ति, वो सिचुएशन हमको समस्या प्रतीत होती है। और जब वो उसको समस्या करके हम जब देखते हैं तो उस समस्या का फिर समाधान भी करना पड़ता है। और ब्राह्मणों का ज्यादातर समय उस समाधान को प्राप्त करने में चला जाता है। और थोड़ा भी समय अगर उसमें चला गया, मतलब संगम युग का जो श्रेष्ठ समय है, जिस श्रेष्ठ समय में हम कमाई कर सकते थे, हम प्यारे बाबा को याद कर सकते थे, हम ज्ञान की कोई और बात को चर्चा कर सकते थे, ज्ञान की और कोई बात हम जीवन में धारण कर सकते थे, कुछ भी हो सकता है उस समय में, परंतु वो समय हमारा समस्याओं का सामना करने में, समस्याओं का समाधान निकालने में चला जाता है। और बात ये इतनी ही नहीं रहती कि जब हम समस्याओं को समस्या करके जब लेते हैं तो बात यहां तक सीमित नहीं रहती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आहत हो ही जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी के साथ लड़ना पड़ रहा है, भले आप जीत जाएं, जैसे जब युद्ध होता है, दोनों तरफ की सेनाएं आपस में लड़ती हैं और कोई एक राजा वो युद्ध को जीतता है, अब वो जीत गया मतलब ये नहीं हुआ कि वो संपूर्ण रीति से सही सलामत है, उसके राज्य को हानि हो चुकी होती है, उसकी जो सेना है वो कहीं ना कहीं कम हो गई होती और वो खुद को भी कहीं ना कहीं चोटिल कर ही देता है या हो ही जाता है। अर्थात लड़ने में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और फिर हम कह तो सकते हैं कि हाँ मैं जीत गया, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, बाबा ये जो ज्ञान हमें दे रहा है, एक तरफ तो बाबा ये कहते हैं कि ये लड़ाई है दिए और तूफान की, यहां तुम्हारी माया के साथ में लड़ाई है, माया एक घुसा मारेगी, तुम एक घुसा मारोगे तो माया भी एक घुसा मारेगी, ये बाबा कहते हैं। परंतु देखा गया कि जो आत्मा ये युद्ध में समय गंवाती है वो आत्मा तीव्र पुरुषार्थी बन नहीं सकती, जीवन में आगे बढ़ नहीं सकती। ईश्वरीय जीवन में बढ़ेगी परंतु उसकी गति बहुत धीमी होगी। हमको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समस्या से मुक्त होकर, अर्थात समस्या से फ्री होकर हमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समस्या आई तो फिर समय गया, संकल्प गए, श्वास गए, शक्ति गए, और शक्ति तो जाती है फिर कमजोर भी हो जाते हैं, और फिर अगली यात्रा के लिए थोड़ा कम शक्ति बचती है, थोड़ी हिम्मत कम हो जाती है, उमंग उत्साह कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे समस्या मुक्त भव,
वैसे देखा जाए तो ईश्वरीय जीवन में समस्या तो है ही नहीं, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे कि बच्चों समस्या मुक्त हो, क्योंकि समस्या आती ही है। बाबा कहते हैं मूल कारण, बाबा ने कहा कनेक्शन लूज होना। कनेक्शन किसके साथ में, बाबा ने यहां उदाहरण भी दिया है कि जैसे यहां पर भी लौकिक में कहें, इस प्रकृति में भी जब दो वायर जुड़ते हैं और उसका कनेक्शन जब लूज होता है तो लाइट प्रॉपरली नहीं आती, करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं होता, शक्ति उसमें प्रॉपरली नहीं आती। ऐसे यहां पर भी जब कनेक्शन हमारा लूज हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ समस्याओं के अधीन हम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कनेक्शन को ठीक करो, कनेक्ट करो और करेक्ट करो। कनेक्शन क्या करना है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई बात आती है, कुछ भी, चाहे व्यक्तिगत जीवन में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में, पारिवारिक रूप में, जब हम बाहर में हैं तो हम जहां वर्क प्लेस पर हैं वहां हमारे कलीग, हमारे बॉस, हमारे संगी साथी, वहां का वातावरण, और कहीं जाते कोई संगठन में, तो हर जगह अलग अलग परिस्थितियां हो सकती। तो जब भी कोई भी बात आती है, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा आए, चाहे वो परिस्थिति के द्वारा आए, तो सबसे पहले कनेक्ट हो जाना है हमें अपने साथ में, ज्ञान के साथ में। जब हम स्वयं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि ये बात मेरे सामने क्यों आई, एक होता है क्यों आई, ये क्यों आ रही है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये हताशा निराशा के प्रकार है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये मेरे सामने क्यों आई बात, अब यहां पर ये क्यों का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूं, मैं ये ढूंढ रहा हूं कि ये बात मेरे पास में क्यों आई। क्यों आई मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर की योग्यताओं को, मेरे अंदर की विशेषताओं को, मेरे अंदर की कलाओं को विकसित करने के लिए आई। हो सकता है कहीं कोई व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, बहुत अपशब्द बोलता है, बार बार मुझे डोमिनेट करता है, लोगों के सामने मेरा अपमान करता है, चाहे वो घर परिवार में हो सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो सकता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे घर में अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो बार बार मुझे इस प्रकार से तकलीफ देता है, तो मैं कहता हूं कि मेरा भाई मेरी समस्या है। जब मैं ऑफिस में होता हूं और बॉस मुझे इस प्रकार से ट्रीट करता है, या फिर मेरे कलीग मेरे साथ में इस प्रकार से ट्रीट करते हैं, तो मैं कहूंगा कि बॉस मेरी समस्या है, मेरे कलीग मेरी समस्या है। अब जब मैंने जिम्मेवारी सौंप दी, अपने जीवन की समस्याओं का कारण ढूंढ लिया और उनके ऊपर मैंने जिम्मेवारी दे दी कि ये जिम्मेवार है मेरे जीवन की समस्याओं का, तो फिर वहां मुझे अपने आप को बदलने का, मुझे स्वयं में विकास करने का कोई मौका नहीं रहता। परंतु जैसे ही मैं कहता हूं कि ये आत्मा बार बार मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ है जो मेरे अंदर अभी भी नहीं है और इस बात को ये बाहर निकालना चाहता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, हमारे शरीर में कोई जब जख्म हो जाती है शरीर पर, और उसमें जब पस हो जाता है बहुत दिनों की, वो जब जख्म रहती हैं तो उसमें कीड़े भी जमा हो जाते हैं बहुत बार। और बचपन में मुझे पता है, जब मैं गिर गया था और वो डॉक्टर के पास मुझे लेकर गए 2-3 दिन उसमें पानी वगैरह जाने के बाद में, या फिर गिरने के बाद तुरंत हम जब जाते हैं, तो डॉक्टर उसको घिस घिस के उस जख्म को डिटॉल लेता है कॉटन में और घिसता है उसको जख्म को, ताकि उसमें जो भी धूल मिट्टी गई होगी, जिससे कुछ मतलब कीड़ों के मतलब उनके अंडे होते हैं उसमें धूल मिट्टी में, तो वो उसमें न रहे, इसलिए वो घिस घिस के साफ करते हैं जख्म को। ऐसे वक्त में हमको डॉक्टर का गुस्सा नहीं आता, भले दर्द हो रहा है, रो रहे हैं, लेकिन पता है कि डॉक्टर ये क्यों कर रहा है।
परंतु जीवन में होता यूं है कि जब परिस्थितियां ऐसी आती है, लोग इस प्रकार से हमें डोमिनेट करते हैं, इरिटेट करते हैं, बार बार हमें हमारा अपमान करते हैं, तो एक प्रकार से हम उनके लिए निगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो भी एक प्रकार से डॉक्टर ही है, जो हमारे अंदर की कोई ना कोई ऐसी जख्म है या फिर कोई ना कोई ऐसा कीटाणु है जो अंदर में दबा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको निकालने का काम कर रही है। वो कीटाणु है फीलिंग का, ईगो का, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने का, निराश होने का, हताश होने का, डोमिनेट होने का, बुरा मानने का, ये जो स्वभाव है उस स्वभाव को वो खत्म करना चाहती है। और दूसरी बात, मुझे ठीक करके मेरे अंदर की विशेषताओं को भी बढ़ाना चाहती है, अर्थात मेरे अंदर में जो प्रेम का गुण है उस गुण को बढ़ाना चाहती है। वो कहती है कि देख, तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, फिर भी तुम्हारा जो प्रेम देने का संस्कार है वो कम नहीं होना चाहिए। कहते हैं मंसूर, नाम सुना होगा आपने, मंसूर को सजा दी जा रही थी, और सजा भी कोई साधारण सजा नहीं है। संसार में यीशु क्राइस्ट को भी सजा मिली, उनको तो सूली पर चढ़ा गया, उनको भी जल्दी मौत आ गई, लेकिन जो मंसूर अली को जो सजा मिली, वो सजा इतिहास में आज तक वैसी सजा शायद ही किसी को मिली होगी। कहते हैं कि भर चौराहे पर उनको बांधा गया, सारे लोग आसपास में थे। सबसे पहले उनकी उनकी आंखों में गरम सलाखें डाली गई, आंखें फोड़ी गई, उनकी जबान निकाल कर, उनके कहते हैं उनकी जबान काटी गई, दोनों हाथ, दोनों पैर तोड़े गए, तो खून बहने लगा। तो मंसूर ने कहते हैं कि उस खून को हाथ में लिया और नमाज पढ़ने के लिए गए, तो लोग कहने लगे कि मंसूर ये क्या कर रहा है, तो वो कहता है मैं वजू कर रहा हूं, और जो सच्ची वजू होती है वो खून से की जाती। लोग आप आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतनी तकलीफ इतनी दी जा रही थी मंसूर को, फिर भी मंसूर हंसता जा रहा था, वो हंसते जा रहे थे, और वो खुदा को कहने लगे कि हे खुदा, मैं जीत गया, आज मंसूर जीत गया, क्योंकि ये लोग जो मेरे साथ करना चाहते थे वो मेरे साथ नहीं कर पा रहे, आज मंसूर जीत गया। अर्थात इतनी तकलीफ, दोनों हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, नाखून, शरीर की चमड़ी उधेड़ दी गई, एक एक बाल खींचकर निकाल दिया गया, इतनी तकलीफ होने के बाद में भी उस आत्मा में जरा भर भी, रिंचक मात्र भी, जो लोग उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे उसके लिए मन में कहीं घृणा उत्पन्न नहीं हुई, कहीं द्वेष, कहीं नफरत नहीं आई, बस प्यार, प्यार और प्यार ही था। इसलिए वो हंसे जा रहे थे और कह रहे थे कि आज मंसूर जीत गया, हे खुदा मंसूर जीत गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो वही जानता है, ये प्रेम की शक्ति। आज बाबा सा आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में जो दूसरा पाठ बाबा ने बताया वो कौन सा है? सहनशीलता का है। जिस बाबा ब्रह्मा को कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिस बाबा ब्रह्मा को कभी किसी ने अपशब्द नहीं बोले, हमेशा सम्मानित किया गया, सम्मान से चलते थे, समाज में रहते थे, और जब शिव बाबा आया, शिव बाबा ने ज्ञान दिए, ज्ञान देने के बाद जो कुछ हुआ आगे बाबा ने मुरली में पूरी बताई है बातें, पेपर में आए, लोगों ने चर्चा की, कोर्ट में चीजें गईं, ये सब कुछ हुआ, जो गालियां नहीं सुनी थी वो सुननी पड़ी, अपशब्द सुनने पड़े, अपमान सहन करना पड़ा। किसी ने एक बार कहा था बाबा को कि बाबा आप इनके खिलाफ कोर्ट में केस क्यों नहीं डाल देते, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कभी अपने बच्चे पर मुकदमा दायर करेगा क्या, मुकदमा चलाएगा क्या? बाबा का प्यार कम नहीं हुआ, इसलिए परमात्मा प्रेम का सागर है, ब्रह्मा बाबा भी बाप समान थे,
तो कुछ भी होती है, समस्या जब आती है, समस्या को अगर समस्या के रूप में देखें तो फिर मनुष्य आत्मा कमजोर हो जाती है, लेकिन वही एक अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं उसको, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है, क्यों आई है मेरे जीवन में। जब इस बात को हम जब देखते हैं तब वो समस्या हमको आगे बढ़ाती है, हमारे अंदर की योग्यताओं को, शक्तियों को बढ़ाती है, और फिर हम तीव्रता से पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक गुण को हम जीवन में धारण करते जाते हैं। जैसे पहला जो गुण बाबा ने कहा समर्पण, दूसरा गुण सहनशीलता, तो सहनशीलता की मूर्त बन गए बाबा, संसार के सामने उदाहरण बन गए और अनेक लोगों के लिए आधार स्तंभ बन गए, और आज भी अनेक आत्माओं को सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये है समस्या को सही रीति से समझने के लिए कनेक्शन को ठीक करना, और कनेक्शन किसके साथ, पहला कनेक्शन जो बाबा ने ज्ञान दिया तुरंत उसी समय याद आना चाहिए कि बाबा क्या कहता है, समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं तूफान तोहफा है, आगे बढ़ाने का साधन है। तो ये जो ज्ञान की जो बातें आती हैं, उस ज्ञान की बातों से तुरंत कनेक्ट हो जाना चाहिए, ये है कनेक्शन को ठीक करना। और ये भी तो थोड़ा समय लग जाता है, बहुत बार थोड़ा हम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, थोड़ा हम कुछ व्यर्थ बातें बोल देते हैं, व्यर्थ बातें बोलेंगे नहीं लेकिन कुछ व्यर्थ विचार भी कर लेते हैं उस आत्मा के लिए, तो ये भी बाबा कहते हैं एक दो मिनट लग जाते हैं, तो उस बीच में कहीं ना कहीं संकल्प चल गए, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा कहते हैं उससे हिम्मत हारकर कंफ्यूज नहीं होना है, कनेक्शन को ठीक कर लेना। आगे चल के होगा ही कि ये समय धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जब हम ज्ञान में नहीं थे, तो ज्ञान में नहीं थे तो समस्याएं आती थी, व्यक्ति हमारे साथ में कुछ अलग अलग व्यवहार करते थे तो हम तो उनका स्वरूप बन जाते थे समस्या का, और बहुत सारे व्यर्थ चिंतन में तो हम चले जाते थे। लेकिन अभी समझ मिली, ज्ञान मिला, तो जैसी कोई बात हो जाती है तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन बाबा के साथ हो जाता है, ज्ञान के साथ हो जाता है। अब ये पहली प्रक्रिया है, परिस्थिति आई, हमने कनेक्शन जोड़ा। धीरे धीरे ऐसे होता है कि परिस्थितियां बाय द बाय चलती रहती है, हमारा कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, और परिस्थिति आती है और जाती है, कोई हमको प्रभाव नहीं डालती। पहली सिचुएशन में हमने युद्ध किया, हम युद्ध किया और फिर जीत गए, तो थोड़ी बहुत हानि हुई, अर्थात समय संकल्प शक्ति तीनों हमारी व्यर्थ चली गई। आगे की स्टेज ऐसी आती है कि युद्ध करने का काम ही नहीं पड़ता, क्योंकि समस्या महसूस ही नहीं होती कि समस्या है। दिव्य दृष्टि जो हमको मिल जाती है, ज्ञान का जो कनेक्शन हमारा जुड़ जाता है, उससे हमको फिर सिचुएशंस या फिर समस्या लगती ही नहीं है। हम उसको बायफर्केट भी नहीं कर पाते कि ये समस्या है और ये समस्या नहीं है, इतना कनेक्शन हमारा कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अंधेरा होता है फिर हम लाइट जलाते हैं, तो अंधेरे की कुछ महसूसता तो हो गई कि भाई अंधेरा है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अंधेरा देखा ही नहीं है तो उसको अंधेरे का ज्ञान ही नहीं होगा। अगर उसको कहते हैं ना, पृथ्वी पर ऐसा एक ध्रुव है जहां उत्तर दक्षिण ध्रुव कहते हैं, जहां 6 महीना दिन है और 6 महीने रात होती है, अगर किसी को जन्मते ही 6 महीना अगर दिन में वहीं रख दिया जाए जिसने रात देखी नहीं, तो वो तो रात को समझ ही नहीं पाएगा, और किसी को रात को ही रख दे 6 महीना तो वो दिन को प्रकाश क्या होता है उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे हम बाबा इस ज्ञान में जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर ये लगता ही नहीं कि ये अंधेरा है, ये कोई समस्या है, समस्या समाप्त हो जाती है, समस्या से हम मुक्त हो जाते हैं, और आत्मा निरंतर जुड़ी है, निरंतर कनेक्शन है
इसलिए वो सर्वशक्तियां सर्वगुण निरंतर आते रहते हैं और ये सर्वशक्तियां हमारे आसपास घूमती रहेंगी। बाबा कहते हैं आगे घूमती रहेगी और जो भी कोई आएगा उसको ऑटोमेटिक वो मिलती जाएगी। इसलिए कनेक्शन को ठीक करो। और इसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा है। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। फाउंडेशन पहले मजबूत करना, कंफ्यूज होकर नीचे के फाउंडेशन को हिलाना नहीं है। बहुत बार देखा है लोग कहते हैं कि मैं बाबा का बच्चा बना, मैं योग कर रहा हूँ, मैं मुरली सुन रहा हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कहीं फिजिकली प्रॉब्लम, कहीं हमारे घर के परिवार की किसी की बीमारियां आए कि कोई बिजनेस में किसी का लॉस हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। कहते हैं कि जब से मैं बाबा का बना बनी जीवन में तो कठिनाइयां हैं। आप बाबा के बने, बाबा का बनने के बाद में ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, आपके निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करने के लिए आ रही है। और ज्ञान के आधार से तो हमने समझ लिया है ना कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। अब इन बातों से हमें और मजबूत होना है। जैसे कोई फाउंडेशन में जब सीमेंट डालते हैं, कोई वो मटेरियल डाला जाता है, तो उसको हिलाकर मजबूत किया जाता है ताकि कोई गैप न रहे। अगर कोई एयर रह गई तो वहां पर वो एरिया कमजोर हो जाता है, इसलिए उसको हिला हिला कर फाउंडेशन को स्थिर किया जाता है और फिर उस पर इमारत खड़ी की जाती है। ऐसे ही समझना है, जब ऐसी कोई चीज आ रही है हिलाने के लिए तो समझो कि हमारे अंदर की कुछ कमी होगी, उसको निकालने के लिए आ रही है, हमारे नीचे के फाउंडेशन को और पक्का करने के लिए आ रही है। उस समय में और बाबा से ज्यादा जुड़ जाना है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा बाबा है, वही सब कुछ करने वाला है, मैं तो बस चलने वाली हूँ, चल रहा हूँ, कराने वाला करण करावाना वो है। निश्चय के फाउंडेशन को और मजबूत करो। तो कनेक्शन ज्ञान के साथ में, कनेक्शन बाबा के साथ में, कनेक्शन ड्रामा के साथ में, कनेक्शन स्वयं का, स्वयं के साथ में, और सर्व आत्माओं के साथ में भी जो कनेक्शन है बस गुणों के आधारित है। उनको भी जो देख रहे हैं, उनके भी साथ में जो कनेक्शन है हमारा, वो दिव्य दृष्टि के आधार से है। लोगों के अंदर की विशेषताओं को ही हम देख पा रहे हैं, उनके अंदर की योग्यताओं को, शक्ति को ही हम देख रहे हैं। जब ये कनेक्शन हमारे जब ठीक हो गए, और सबसे मुख्य कनेक्शन है मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा के साथ जब कनेक्शन हमारा ठीक हो जाएगा, तब हम चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को सही रीति से परख सकेंगे और समस्या से मुक्त तो हो ही जाएंगे। और कोई भी बात आ जाती है तो वो हमारे अंदर की और शक्ति को बढ़ाते हुए हम तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। और बाबा जो हमसे उम्मीद रखता है कि लास्ट ऑफ फास्ट और फास्ट ऑफ फर्स्ट जाने का, बाबा जो उम्मीद रखते हैं कि बच्चों तुम मेरी उम्मीदवार आत्माएं हो, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हो, तुम मेरे कुल का दीपक हो, मेरे आंखों के तारे हो, मस्तक का ताज हो, तुम मेरे दाढ़ी की लाज हो, बाबा कहते हैं। तो ये जो बाबा की सारी उम्मीदें हैं हम फिर पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे आप सभी सदैव ही मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का कर कनेक्शन को सदैव ही एक बाबा के साथ रखने वाले सर्व समस्याओं से मुक्त आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।